नमस्कार, आप देख रहे हैं एन इंडिया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 21 दिन की लॉकडाउन के 19वें दिन सोनभद्र नगर वासियों ने उन कर्मवीरों का सम्मान किया जो असल लड़ाई कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सोनभद्र नगर के सभी प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मीडियाकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सदर SDM ने कहा कि लॉकडाउन का अनुपालन में लगे प्रशासनिक और पुलिसकर्मियों के लोगों द्वारा सम्मान किया गया है। इस लॉकडाउन में समाजसेवी संस्थाएं भी लगी हुई हैं, जो गरीब और असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही हैं, जो काफ़ी सराहनीय कार्य है। दौर चल रहा है और उसका पूरा प्रयास है कि लॉकडाउन को हम लोग 100% अनुपालन कराएं। उसके लिए टीम लगी हुई है ताकि खाने पीने की चीज़ों की अबाध आपूर्ति सुचारू रूप से होती रहे। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जा सके, क्योंकि कोरोना के प्रभावी तरीका है कि पास भटकने ही, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग जा रहे हैं और उसमें तमाम लोगों को दूरी बना रखो, ठीक रहेगा। भोजन मुहैया कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी कराया जा रहा है और तमाम स्वयंसेवी संस्थाएँ भी हैं और जिनके द्वारा मदद की जा रही है। सेवादार की रसोई उनमें से एक है, जिनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर अलग अलग ज़रूरतमंद लोगों को कुक्ड फूड मुहैया कराया जाता है। काफ़ी प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से हमारी सर्विस में प्रशासन की बहुत बड़ी मदद रही है और सब ने हमारा बहुत साथ दिया है, इसलिए हम खाना खिलाने में आज कारगर हो पाए हैं। तो एक उनके लिए छोटा सा एक सम्मान समारोह टाइप का एक हमने किया था कि किसी तरीके हम उनको एक थैंक्स गिविंग एक कर सकें, इसीलिए किया गया। क्या नाम है आपका? जसोई हमारी संस्था है, जो कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से सबके लिए खाना अवेलेबल हम लोग करा रहे हैं। जो भी गरीब है या जिसके पास खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जो क्वारंटाइन होम बनाए गए हैं वहाँ पे जिसको जो दिक्कत हो रही है, हम लोग सबकी दिक्कत सुन के जो भी दिक्कत जो भी ज़रूरत है खाने की, तो वो हम लोग पूरी करा रहे हैं।